दोस्तों, क्या आपने कभी मास के बारिश के बारे में सुने हो? गाइस, क्या आपको पता है कि हम सब का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? और गाइस, क्या आपने कभी 6 इंच के इंसान के बारे में सुने हो? तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे अनसुलझे रहस्य के बारे में जानेंगे जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। अनसुलझा रहस्य नंबर 1। दोस्तों, हम सब इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? दोस्तों, 1900 से पहले माना जाता था कि हर इंसान का ब्लड ग्रुप एक जैसा होता है, बट दोस्तों 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने पहली बार इंसानों में ब्लड ग्रुप को खोजा। बट दोस्तों, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कई शोध किए, कई तर्क भी दिए, लेकिन आज तक साफ तरीके से पता नहीं चल पाया है कि आखिर इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। रहस्य नंबर 2। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का अचानक गायब हो जाना। दोस्तों, हेरल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, बट दोस्तों 1967 में विक्टोरिया के चेवियट बीच में नहाते हुए वे अचानक गायब हो गए, जिसके बाद दोस्तों उसे खोजने के लिए पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ा खोज अभियान चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ये जो खोज अभियान था वो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे बड़ा खोज अभियान में से एक था। जब बहुत दिनों तक खोजा गया और उसका कुछ पता नहीं चल पाया, तब उसे मरा हुआ साबित कर दिया गया। इसके पीछे लोगों का तर्क था कि ये कोई षड्यंत्र है या तो फिर कोई दुर्घटना है। बट दोस्तों, असल में उसके साथ क्या हुआ था, उसका लाश कहां गया, ये आज भी एक रहस्य है। रहस्य नंबर 3। मास की बारिश। दिन मार्च 1876 को अमेरिका के केटकी शहर में अचानक सुबह के 11 से 12 बजे के बीच मास की बारिश होने लगा। दोस्तों, ये लाल रंग का मास था जिसका आकार 2x2 इंच से लेकर 4x4 इंच तक था। इस मास के बारिश के पीछे कई तर्क दिए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा माना जाने वाला तर्क है कि यह किसी गिद्ध के झुंड द्वारा मांस को खाने के बाद यहाँ गिराए होंगे, लेकिन दोस्तों इसका कोई पक्का सबूत नहीं था। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि यह जो मांस था वह न किसी घोड़े का, न किसी गाय का और न किसी भालू या इंसान का था। बाकी दोस्तों, यह मांस किस जीव का था यह आज भी एक रहस्य है। नंबर 4। दुनिया के सबसे शातिर चोर का रहस्य। दोस्तों, अमेरिका के डीबी कूपर को दुनिया का सबसे शातिर और रहस्यमयी चोर माना जाता है, जिसे कभी भी पकड़ा ना जा सका। दोस्तों, 14 नवंबर 1971 को डीबी कूपर ने बोइंग 727 प्लेन को हाईजेक कर लिया, जिसके बाद उन्होंने $2,00,000 और 4 पैराशूट की मांग की। दोस्तों, मांगे पूरे हो जाने के बाद वे प्लेन से कूद गए, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला कि वे प्लेन से कूदने के बाद कहां गए। डीबी कूपर को पकड़ने के लिए कई सारे खोज अभियान चलाए गए, लेकिन उस शातिर चोर का पता नहीं चल पाया। रहस्य नंबर 5। नदी का पानी कहां जाता है? दोस्तों, माइनेसोटा के जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क में ड्रिल्स केटले नाम का एक गड्ढा मौजूद है जो कि पत्थरों के बीच है, और दोस्तों नदी का पानी इस गड्ढे में जाता है। लेकिन दोस्तों, रहस्यमयी वाला बात यह है कि इस गड्ढे का पानी कहां निकलता है, कहां जाता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। दोस्तों, लोगों द्वारा इस गड्ढे में डाई, पिग पोंग बॉल और दोस्तों जीपीएस ट्रैकर जैसे कई सारी चीजें फेंकी गई, लेकिन उनका भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये चीजें कहां जाती है। रहस्य नंबर 6। रहस्यमयी सैटेलाइट। दोस्तों, 1954 में अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट्स देखे गए जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय इंसानों के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वे सैटेलाइट
सैटेलाइट बना सके। दोस्तों इसका मतलब यह है कि उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स ने इनकी तस्वीरें भी जारी की जिसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया। दोस्तों कुछ लोगों ने इसे UFO बताया तो कुछ ने इसे एलियन का सैटेलाइट बताया जो कि लगभग 13,000 वर्षों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। लेकिन दोस्तों असल में यह क्या था इसका पता आज तक नहीं चल पाया। रहस्य नंबर 7, एक रहस्यमयी किताब। दोस्तों वैनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक हाथों से लिखा हुआ किताब था जिसमें 240 पन्ने थे। दोस्तों इस पुस्तक को 15वीं सदी का माना जाता है और यह एक रहस्यमयी किताब है क्योंकि इस किताब को एक अज्ञात भाषा में लिखा गया है जिसके वजह से इसे कोई पढ़ नहीं सकता। दोस्तों इस किताब में अजीबोगरीब जीव और विचित्र चीजों के चित्र बने हुए हैं जिसे समझने के लिए कई क्रिप्टोग्राफर ने प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। दोस्तों इस पुस्तक किसके बारे में है, इसमें क्या लिखा है, किसने लिखा, क्यों लिखा, ये आज तक एक रहस्य है। रहस्य नंबर 8, जैक द रिपर। दोस्तों 1988 के समय लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ज्यादा खौफ था। यह किलर महिलाओं की हत्या करता था वो भी बहुत ही खौफनाक तरीके से और ये किलर महिलाओं के अंदरूनी भागों को भी निकाल लेता था। दोस्तों 1988 में एक महिला के लाश से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वे और भी ज्यादा हत्या करने वाला है जिसके बाद इस सीरियल किलर को एक नाम दे दिया गया जैक द रिपर। दोस्तों पर ये साफ नहीं था कि यह पत्र किलर ने ही लिखा था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि किसी पत्रकार ने ही ये पत्र लिखा था जिससे कि खबर को ज्यादा फैलाया जा सके। दोस्तों इस हत्याकांड के 130 साल के बाद भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर ये हत्यारा कौन था। रहस्य नंबर 9, एक रहस्य बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी थी जो कि इंसानों के दिमाग पर असर करता था। इस बीमारी में इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था जिसमें वह न कुछ बोल पाता था और न ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया में फैल गया जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि इस बीमारी से 10 लाख लोग ग्रसित हुए जिनमें से 5 लाख लोगों की मौतें भी हुई। बट गाइस ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये बीमारी कैसे फैला। रहस्य नंबर 10, 6 इंच का इंसानी कंकाल। दोस्तों 2003 में चिले के अटाकाना रेगिस्तान में एक 6 इंच का कंकाल मिला जिसके मजबूत दांत और एक बड़ी खोपड़ी थी। पहले तो इसे एलियन का कंकाल बताया गया लेकिन बहुत सारे रिसर्च के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बोनेपन की बीमारी होगी। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान के शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं लेकिन इस कंकाल में 10 पसलियों के सेट थे। पर दोस्तों इस महिला को कौन ऐसी बीमारी थी जिसके वजह से इसका शरीर इतना छोटा था इसका पता आज तक वैज्ञानिकों को नहीं चल पाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ही लीजिएगा।